हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम पैक इंजीनियरशिंग अकेडमी स्वागत है आप सभी का माय डियर बच्चे कैसा चल रहा है आपकी तैयारी एग्जाम की सही चल रही होगी अभी अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी अब कर रहे होंगे और काफी परेशान भी होंगे क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहा है और ये समझ नहीं आ रहा है कि तैयारी हो कैसे रिवीजन हो कैसे तो अब बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है मैं आपके लिए लाया हूं एक छोटा सा वीडियो एक वीडियो में आपको मैं पच्चीस नंबर्स के मार्क्स के बारे में पच्चीस मार्क्स का इंश्योरेंस दिलाऊंगा दे और देखते हैं उस वीडियो में क्या डिस्कस कर रहा हूँ एक्चुअली अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा चैप्टर्स एक बार पूरे कंसेप्ट को डिस्कस करने के बाद फिर मैं आपके लिए एक्सरसाइज का एक सेशन लाऊंगा जिस सेशन के अंदर में वो क्वेश्चन होंगे जो क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आएंगे मीन्स आने वाले क्वेश्चन वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि आखिर वो क्या है कंसेप्ट

तो उसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और यहां पे समझेंगे चलिए बटर जल्दी से देखते हैं कि क्या क्या कंसेप्ट है सबसे पहले समझते हैं माइसिक्वल फंक्शन के बारे में

एक रो पे भी अप्लाई हो सकता है और मल्टीपल रिकॉर्ड्स पे भी अप्लाई हो सकता है मींस कैन कैन अप्लाई अप्लाई ऑन ऑन वन रो इट मल्टीपल रोज पे होगा या वन रो पे होगा तो ऐसे फंक्शंस को सिंगल रो फंक्शंस कहते हैं जब वन पे होगा और जब ज्यादा पे होगा मल्टीपल होगा तो उसे हम एग्रीगेट फंक्शंस कहते हैं मतलब ये है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ द फंक्शन सिंगल रो फंक्शंस एंड एग्रीगेट फंक्शंस

सिंगल रो फंक्शंस की अगर हम बात करें तो दिस फंक्शन इज नोन एज द स्कैलर फंक्शन सिंगल आर अप्लाइड ऑन अ सिंगल वैल्यू एंड रिटर्न अ अ सिंगल सिंगल वैल्यू वैल्यू इट्स अप्लाई ऑन एंड इट इज रिटर्निंग अ सिंगल वैल्यू ओनली ठीक है एग्रीगेट फंक्शन के बारे में अगर बता दू मैं पहले ही बता देता हूं कि एग्रीगेट फंक्शन क्या है मल्टीपल वैल्यूज पे अप्लाइड होते हैं बट रिटर्न एक ही वैल्यू होता है देर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ दिंगल रो फंक्शन न्यूमरिक स्ट्रिंग एंड

कैटेगरीज ऑफ सिंगल लो फंक्शंस को और उन सारे फंक्शंस को देख ले जिन फंक्शंस के बारे में आपको जानना है यू मस्ट है मैथ फंक्शन देर आर थ्री फंक्शनिक फंक्शन पावर राउंड मोड पॉवर राउंड मोड length लेफ्ट राइट इन स्टीयर एल ट्रीम आर ट्रीम ट्रीम जहां पे इन स्टीआर और लेंथ का जो आउटपुट होता है वो एक न्यूमरिक आउटपुट होता है वो हमेशा न्यूमेरिक आउटपुट देता है इसके बाद के जितने भी फंक्शंस आपको दिख रहे हैं इन एस्टियर और लेंथ के अलावा आप जितने भी फंक्शंस दिख रहे हो दिज ऑल फंक्शन आर रिटर्निंग अ स्ट्रिंग वैल्यू कैरेक्टर वैल्यू ठीक है नाउ एक डेट एंड टाइम वैल्यू रिटर्न करता है हमें डेट डेट वैल्यू रिटर्न करता है हमें हमें मंथ 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 का नंबर यानी कि वैल्यू वैल्यू रिटर्न रिटर्न करता करता है है नेम एक स्ट्रिंग ईयर एक न्यूमरिक वैल्यू रिटर्न करता है डे एक न्यूमरिक वैल्यू रिटर्न करता है एंड डे नेम स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है तो अगर हम मंथ की बात करें मंथ नेम और डे नेम तो ये हमारा स्ट्रिंग हो जाएगा करेक्टर या स्ट्रिंग हो जाएगा ठीक है उसके बाद अगर आप ईयर डे और मंथ इस तीन फंक्शंस की बात कर लो इस तीन फंक्शंस की तो ये आपका नंबर्स वैल्यू हो जाएगा न्यूमेरिक वैल्यू हो जाएगा डे नाउ एंड डेट डेट एंड टाइम वैल्यू डेट डेट वैल्यू देगा नाउ डेट एंड टाइम दोनों ही वैल्यू प्रोवाइड करेगा ठीक है तो ये आपको याद रखना है क्यों याद रखना है क्योंकि कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें फंक्शंस का नाम लिखा हुआ हो और आपसे ये नहीं पूछा जाए कि फंक्शन क्या करता है आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट टाइप्स ऑफ वैल्यू रिटर्न्स बाय दिस फंक्शंस ये वैल्यू कैसे मतलब ये फंक्शन कौन सी वैल्यू रिटर्न करेंगे इंटीन्यूमरिक करेंगे स्ट्रिंग करेंगे डेट एंड टाइम करेंगे कैरेक्टर करेंगे क्या करेंगे ठीक है

x to the power y so this function is used to calculate x to the power y means if you are written here suppose the value of x is 2 and value of y is 3 and you have written 2 raised to power 3 so what is the meaning of this 2 raised to power this 2 multiply 2 multiply 2 and this value you are getting here 8 so this is the output अच्छा ऐसा नहीं है कि इस पावर फंक्शन को हम सिर्फ वैल्यू के साथ काम करें हम किसी क्लास हम किसी टेबल्स की कॉलम्स का भी नाम यहां पे लिख सकते हो सपोज किसी का एज लिखा हुआ है किसी का सैलरी लिखा हुआ है किसी का मार्क्स लिखा हुआ है कुछ भी मान लो उसका स्क्वायर निकालना है तो आप कमांड लगा सकते हो सेलेक्ट पावर कॉलम का नाम मान लो कुछ भी है एज दे दिया कॉमा टू दे दिया फ्रॉम और फिर यहाँ पे मान लो टेबल का नाम मैंने स्टूडेंट दे दिया जो भी तो इस तरह से भी क्वेरी आप लिख सकते हैं तो जितने भी सिंगल लो फंक्शंस हैं वो फंक्शंस डायरेक्ट डेटा के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है और किसी कॉलम के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है बस ध्यान ये रखना है कि कॉलम के नाम को लिखा जाएगा और जब कॉलम का नाम आएगा तो वहां पर टेबल भी आएगा क्योंकि जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो यहाँ फ्रॉम क्लाउस और टेबल का नाम नहीं दिया गया है क्यों क्योंकि ये स्टैटिक वैल्यू यानी कि डायरेक्ट न्यूमरिक वैल्यू पे काम कर रहा है लिटरल के ऊपर काम कर रहा है इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज द राउंड फंक्शन ये सारे ये तीनों के तीनों फंक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में तीन ही फंक्शन है न्यूमेरिक और तीनों से क्वेश्चन आएंगे राउंड ऑफ एन टू दी नंबर ऑफ डेस्मल प्लेसेज डी जो है, बताएगा, आपका है। कि इस नंबर को कितने डेस्मल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके लिखना है फॉर दैट पर्पज वी आर यूजिंग द डी लेकिन अगर आपने डी मैं नहीं किया है और डी की वैल्यू जीरो है तो वो नंबर नियरेस्ट इंटीजर की ओर चला जाएगा मतलब हो गया कि डेसिमल पॉइंट के बाद मुझे कोई वैल्यू नहीं चाहिए तो डेसिमल पॉइंट का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा तो ऐसे केस में जो आउटपुट मिलेगा वो नियरेस्ट इंटीजर मिलेगा ध्यान रखना है कई बार ऐसा होता है डी मिसिंग होता है डी मिसिंग होता है तो डी अगर मिसिंग हो तो उसका मतलब जीरो माना जाएगा तो इसका मतलब है कि आप उसे एज ए की ओर ले जाएं अब सेलेक्ट राउंड वन डेसिमल प्लेसेस तक लेना है तो उसमें क्या है यहां तक लाना है आपको फाइव तक लाना है वन डेसिमल प्लेसेस में लेकिन आप राउंड करोगे कैसे तो राउंड्स करने का एक तरीका होता है जिसको आपको ध्यान रखना है आपको यह देखना है कि जिस डेसिमल प्लेसेस पे आपको लाना है उसके नेक्स्ट डिजिट को चेक करना है किसको चेक करना है उसके नेक्स्ट डिजिट को चेक करना है अगर उसकी वैल्यू फाइव या फाइव से ज्यादा है फाइव या फाइव से ज्यादा है ऐसे केस में जो बगल वाला डिजिट होगा वो प्लस वन हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा क्योंकि जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पे सिक्स लिखा हुआ है तो सिक्स के कारण ये फाइव जो होगा वो सिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका आउटपुट आएगा टू नाइन वन टू पॉइंट सिक्स इस रूल्स को आपको ध्यान रखना है कि जिस डिजिट पे आप राउंड अप कर रहे हो उसके नेक्स्ट डिजिट को चेक करना जब आपकी वैल्यू जब डी की वैल्यू पॉजिटिव हो जब d की वैल्यू पॉजिटिव हो तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है कई बार d की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ है टू नाइन वन टू वन थ्री पॉइंट फाइव सिक्स सेवन और यहां पे लिखा हुआ है माइनस वन माइनस वन का मतलब हो गया कि आप इस डिजिट पे काम कर रहे हैं आप किस पे कर रहे हो इस तो जब माइनस होना तो जिस डिजिट पे आप काम कर रहे हो आपको सिर्फ उसी डिजिट को चेक करना है क्योंकि तो आपको उसको हटाना है उसको आपको हटाना है ठीक है माइनस वन देखो ये मैं बता देता तो हूं ये प्लस वन है ये टू है ये थ्री है ये माइनस वन है ये माइनस टू है ये माइनस थ्री है माइनस फोर है ध्यान रखिएगा इज इज डैम श्योर यू आर गेटिंग दैट द राउंड तो माइनस वन का मतलब हो गया कि आपको इस पे काम करना है तो आप इसी को चेक करो और इसके कारण इसकी वैल्यू प्लस या माइनस हो सकती है तो प्लस तब होगी जब ये इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव को सेटिस्फाई करेगा अदरवाइज ये प्लस नहीं होगी तो अगर मैं इसको राउंड करूंगा तो इसका आउटपुट आ जाएगा टू नाइन वन जीरो लेकिन अगर इसी जगह पर यह होता है टू नाइन वन एट टू नाइन वन एट पॉइंट फाइव सिक्स सेवन माइनस वन ये राउंड कर रहे होते तो इस एट के कारण वन की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये हो जाता टू नाइन टू जीरो क्या आउटपुट आता है टू नाइन टू जीरो क्योंकि एट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और जिसके कारण ये वाली वैल्यू प्लस वन हो जाएगी और इसके प्लस वन करते आउटपुट आपका हो जाएगा टू नाइन टू जीरो तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि राउंड फंक्शन को कैसे यूज करना है और ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा इसको अंडेस्टिमेट मत कीजिएगा इस राउंड फंक्शन को तो एटलीस्ट अंडर बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि इस राउंड फंक्शन से आपको दो क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम में क्योंकि ट्वेंटी फाइव मार्क्स का वेटेज एक अकेला चैप्टर लेके बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन तो आएगा ही ना तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है ठीक है इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द मॉडल ऑपरेटर मॉड का मतलब होता है रिमाइंडर कि व्हेन यू आर डिवाइडिंग एनी नंबर बाय द अनदर नंबर डेफिनेटली सम टाइम द नंबर्स इज नॉट डिविजेबल कंप्लीटली इन दैट केस यू आर गोइंग टू डू द डिवीजन इन अ फ्रैक्शनल फॉर्म बट हियर यू आर नॉट सपोज टू डू द फ्रैक्शनल यू हैव टू फाइंड आउट द रिमाइंडर कि क्या बचा क्या रिमाइंडर क्या है व्हाट इज द रिमाइंडर इफ यू आर गोइंग टू डिवाइड 21 बाय 2

अब इसको राउंड करना है तो राउंड फंक्शंस को यूज किया और ट्वेल्व ट्वेल्व परसेंट ऑफ प्राइस को एज ए आर्गुमेंट पास किया फर्स्ट आर्गुमेंट फिर कॉमा देके सेकेंड आर्गुमेंट मतलब ये एन हो गया और सेकेंड आर्गुमेंट डी हमने वन दे दिया क्योंकि इसने वन डेसिमल प्लेसेस कहा था तो आपका आउटपुट कुछ ऐसा निकल के आएगा ठीक है अब ये देखो ये टेबल पे काम कर रहा है अच्छा एज जीएसटी इसको जीएसटी बनाना था तो यहां पे एज जीएसटी आ गया फ्रॉम इन्वेंट्री टेबल टेबल से निकाल के देना था तो हमने टेबल के ऊपर कॉलम के ऊपर अप्लाई कर दिया एड ए न्यू कॉलम फाइनल प्राइस टू द टेबल दिन्री विच विल बी है वैलू सम्वर्सेंट ऑफ जीएसटी अब आपको क्या करना है कॉलम एड करना है तो कॉलम ऐड करने के लिए आप ध्यान रखिएगा आपने क्लास डिस्कस किया था कि, तो का नाम, type, size, है? तो हमने वन कॉलम ऐड हो गया यहां पे अब कॉलम ऐड होने के बाद ये कह रहा है कि उसकी वैल्यू को अपडेट करो उसको वैल्यू देना है और वैल्यू क्या देना है उसको तो ट्वेल्व परसेंट ऑफ जीएसटी प्राइस एंड सम सम ऑफ प्राइस एंड ट्वेल्व परसेंट ऑफ द जीएसटी जीएसटी उसकी वैल्यू अपडेट करनी है तो यहां पे क्या हो जाएगा यहां पे देखिए लिखा गया फाइनल प्राइस अपडेट इन्वेंट्री सेट फाइनल प्राइस प्राइस प्लस प्लस राउंड सेम फॉर्मूला प्राइस मल्टीप्लाई टूएल्व डिवाइड हंड्रेड कॉमा वन

अब यहां पे मॉडल ऑपरेटर का यूज दिखाया जा रहा है आफ्टर डिवाइडिंग द अमाउंट इन टूएमआई फाइंड आउट द रिमेनिंग अमाउंट टू बी पेड इमीडिएटली मतलब पहले ई डिसाइड कीजिए और उसमें से जो बैलेंस बच जाता है मतलब ये डिसीजन हुआ कि दस हजार का ई बनेगा ठीक है तो दस हजार का एम बनेगा तो ई कितना हो गया और रिमेनिंग अमाउंट कितना रह गया मतलब कितना दिया जाएगा और रिमेनिंग तो से आपको क्या करना है वो अमाउंट से डिविजिबल नहीं है वो amount निकालना है जो टेन थाउजेंड से डिविजिबल नहीं है तो फाइनल प्राइस माइनस मोड फाइनल प्राइस कॉमा टेन तो माइनस फाइनल यहां पे क्या मिलेगा रिमाइंडर मिलेगा ये वाला अमाउंट मिलेगा और उस रिमाइंडर को डिवाइड करके डिवाइड टेन तो जो ई होगा मतलब जैसे ये देखो यहाँ पे है है मुझे लगता है 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 ये इन्होंने गलत दिखा रखा या क्या है? क्योंकि को जब हम करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा टेन थाउजेंड से अच्छा ठीक है तो हो जाएगा बिल्कुल सही है टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू सिक्स आएगा बिल्कुल सही तो ये हमारा रिमेनिंग अमाउंट बचा और इस अमाउंट को हमने फाइनल प्राइस से माइनस कर दिया तो सिक्सटी फाइव थाउजेंडाइवेंड प्लस टू इज इक्वल टू फाइनल प्राइस आ जाएगा आपका तो देखो यहां पे आप समझो कि राउंड फंक्शंस का कैसे खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया गया और मल्टीपल फंक्शन राउंड के अंदर में मॉड का इस्तेमाल हो रहा है तो मॉड एंड राउंड दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है यहां पर तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में जिसमें आपको आउटपुट्स बताने हो सकते हैं या कोईरी लिखने हो सकते हैं कोईरी है, कोई लिखा जा सकता है अब एक कॉलम को ऐड करना है ऐड करने के बाद उसमें क्या करना है उसमें कमीशन देना है तो अपडेट कर दिया गया यहां पे कमीशन कमीशन और उसके बाद क्वेरी है डिस्प्ले द तो ये अपडेट स्टेटमेंट हो गया कमीशन डिवाइड दिस यहाँ पे किसी भी फंक्शन का इस्तेमाल नहीं हुआ है डिस्प्ले इन वॉइस नंबर वैल्यूज राउंड ऑफ टू जीरो अब देखो तो यहां पे राउंड का कंसेप्ट आ गया कह रहा है कि कमीशन को राउंड ऑफ टू जीरो करना है तो क्वेरी क्या बनेगा राउंड कमीशन कॉमा जीरो फ्रॉम टेबल का नाम तो इस तरीके से आप इस क्वेरी को यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होता है स्ट्रिंग फंक्शंस वो होता है जो वेरियस ऑपरेशन अल्फानिमरिक डेटा के ऊपर करता है जो टेबल्स के अंदर स्टोर होते हैं या डायरेक्ट आपको वैल्यू देना चाहते तो उसको यहां भी देखिए वही क्वेश्चन है जिसका सोल्यूशन यहां पर दिया हुआ है ये क्वेश्चन का डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ सेल वेयर पेमेंट मोड इज क्रेडिट कार्ड तो यहाँ पे वेयर पेमेंट मोड इज इक्वल टू क्रेडिट कार्ड का सिंपल क्वेरी है इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अभी <coughs> तो स्ट्रिंग फंक्शन हो गया वो फंक्शन जो न्यूर स्ट्रिंग अल्फा न्यूमरिक वैल्यू के ऊपर काम करेगा जो टेबल्स के अंदर स्टोर हैं या उसमें से कई बार आप उसके लेंथ को पता करते हो कई बार उसे आप उसके केस को चेंज कर देते हो अपर केस लोअर केस कर देते हो कई बार आप उसमें से स्ट्रिंग निकाल लेते हो कई बार आप उसके लेंथ को पता करते हो तो ऐसे कुछ काम आपको स्ट्रिंग फंक्शन से करने होते हैं

और दोनों एक ही functions mid functions. एक ही ही है। बोथ आर द सेम तरह का काम करता है नाम थोड़ा सा अलग दिख रहा है। mid जो है है। है जो उसके साथ का बन जाता है. एक, है ना लेकिन सब स्ट्रिंग एक अलग तरीके से है जो कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होते हैं मिड फंक्शन को तीन आर्गूमेंट चाहिए स्ट्रिंग चाहिए पोजिशन चाहिए एन चाहिए अब स्ट्रिंग मतलब वो स्ट्रिंग जहां से स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करना है एक्चुअली इसका काम है कि ये सब स्ट्रिंग निकाल के देता है एक्सट्रैक्ट करता है है ना? N, N है ना ऑफ साइज साइज जो उसके बेस पे फ्रॉम द स्पेसिफाइड जो position है उस जगह से जो है उस जगह से एन नंबर ऑफ करेक्टर्स आपको रिटर्न करके देगा लेकिन नोट पॉइंट है अगर एन नहीं दिया गया है तो जो पोजिशन है वहां से लेके लास्ट तक के कैरेक्टर्स को रिटर्न करके आपको दे देगा फ्रॉम द पोजिशन टिल एंड ऑफ द स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग का भी काम ऐसा ही है स्ट्रिंग के साथ उसे हम पोजीशन और एन बताते हैं या सब स्ट्रिंग के जगह पे हम सब 3, 4, तो आर भी हो गया पोजीशन और फोर क्या हो गया नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तो पहले समझिए कि इसको काउंट कैसे करते हैं इसकी काउंटिंग वन से स्टार्ट होती है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन अब थ्री वन टू थ्री यानी कि एफ चार कैरेक्टर एक दो तीन चार तो क्या निकल के आएगा फॉर्म क्या निकल के आएगा फॉर्म तो ये चीज आपको ध्यान रखना है अब सेलेक्ट इन्फॉर्मेटिक मतलब से नहीं बताया नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नहीं बताया तो क्या हो गया सेवन से एंड तक चला जाएगा तो सेवन से एंड तक चलोगे तो वन टू इंफॉर्मेटिक्स को काउंट कर ले वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन मतलब ए से लेके एस तक एटेक्स तो इसकी आउटपुट आपको एटेक्स मिलेगी इसके बाद एक फंक्शन है तो इसका यूज होता है लेफ्ट का डिफरेंस का और, और इतना ही है कि हम मिड फंक्शन में पोजिशन एंड नंबर ऑफ करेक्टर्स दोनों ही बताते हैं एक तरीके से लेकिन लेफ्ट में सिर्फ हम नंबर ऑफ करेक्टर्स बताते हैं क्योंकि इसका पोजिशन फिक्स है लेफ्ट साइड से नाम से ही है लेफ्ट का मतलब लेफ्ट साइड से तो द पोजिशन इज फिक्सर ओनली यू हैव टू द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तो रिटर्न ऑफ कैरेक्टर्स क्या कह रहा है द एन एन नंबर नंबर ऑफ ऑफ कैरेक्टर्स आपको रिटर्न करेगा कितना कैरेक्टर्स रिटर्न करेगा एन नंबर मतलब जो आपने बता दिया कि लेफ्ट से इतनी वैल्यू को रिटर्न करनी है तो वो उतनी वैल्यू को यहां पे रिटर्न करेगा लेफ्ट से ठीक है जैसे कंप्यूटर फोर यानी कि स्टार्टिंग से चार कैरेक्टर सीओ एम पी उसी तरीके से अगर मान लो यहां पे दे दिया गया राइट स्ट्रिंग एन रिटर्न द एन नंबर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम द राइट अब इसका भी पोजिशन फिक्स है राइट एंड करेक्टर्स आएंगे तो सिर्फ यू हैव टू स्पेसिफाई नंबर ऑफ करेक्टर्स तो लेफ्ट एंड राइट में हम सिर्फ नंबर ऑफ करेक्टर्स बताते हैं मिड में हम पोजीशन बताते हैं और फिर नंबर ऑफ करेक्टर्स बताते हैं कि इस पोजीशन से समझिए बात को तो राइट right से क्या हो गया साइंस थ्री अब साइंस थ्री का मतलब ईसीएन नहीं आएगा आउटपुट तो एनसीई आएगा लेकिन लास्ट के तीन कैरेक्टर्स आएंगे राइट का मतलब हो गया लास्ट के तीन कैरेक्टर्स राइट साइड से लास्ट राइट साइड का मतलब आखिरी पोजिशन ही हो गया वहां से तीन कैरेक्टर्स निकालने दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इन एस टी आर इसका मल्टीपल यूज भी होगा मिक्सर करके भी यूज होगा कॉम्बिनेशन के साथ भी सब स्ट्रिंग इन द स्ट्रिंग मीन एक स्ट्रिंग के अंदर में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर या पर्टिकुलर स्ट्रिंग किस पोजिशन पे है कहां पे सबसे पहले एपियर्ड हुआ है उस स्ट्रिंग के अंदर में उसके पोजिशन को बताएगा इंडेक्स नंबर आपको रिटर्न करेगा वो उसका

और ध्यान रखना है पहला पोजिशन बताना है फर्स्ट बताना है सेकेंड थिंग याद रखना है कि अगर नहीं मिलेगा तो जीरो देगा माँणस वन, माँणस टू कुछ नहीं जीरो और यहां पे इंडेक्स पोजीशन वन से स्टार्ट होता है ये चीज भी ध्यान रखना है जैसे कि इंफॉर्मेटिक्स में एम ए कहां पर है तो देखो एम ए यहां पर स्टार्ट हो रहा है तो एम का पोजीशन रिटर्न करेगा वन टू तो थ्री फोर फाइव सिक्स तो आपको आउटपुट क्या मिला सिक्स

ठीक है तो जब पहली बार लेंथ दहली किया गया तो सेवन निकल गया मतलब सेवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स थे लेकिन जब उसको एल ट्रिम के बाद लेंथ पता करने की कोशिश की गई तो पांच ही निकले ये इसलिए ऐसे यूज किया जा रहा है कि आप समझ सको कि भाई स्पेस था जिस स्पेस को ट्रिम फंक्शन ने हटा दिया इसके बाद एल ट्रिम से अपोजिट एक्स फंक्शन आता है जिसको कहते हैं आर ट्रिम ये राइट हैंड साइड के स्पेस को हटाएगा बिटविन बिटविन वाला स्पेस कोई नहीं हटाता यह ध्यान में रखना मान लो न्यू स्पेस वर्ड तो यहां जो स्पेस आया था ना न्यू और वर्ड के बीच में ये नहीं हटेगा आप या तो न्यू से पहले वाले स्पेस को हटा सकते हो वर्ड के बाद वाले स्पेस को हटा सकते हो तो आर ट्रिम क्या करेगा वर्ड के बाद वाले स्पेस को हटाएगा एल ट्रिम क्या करेगा न्यू से पहले वाले स्पेस को हटाएगा और ट्रिम क्या करेगा दोनों साइड के स्पेस को हटा देगा चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे वो राइट में हो लीडिंग हो या ट्रेलिंग हो लीडिंग हो या ट्रेलिंग हो तो रिमूवर ट्रेलिंग वाइट स्पेस ट्रेलिंग का मतलब हो गया राइट जो पूछ बना बाद में आया लेडिंग का मतलब जो पहले आ गया लेफ्ट ठीक है आर ट्रिम ट्रिम फंक्शन क्या करेगा गिवन स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग बोथ लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस दोनों तरफ के स्पेस को हटाएगा जैसा कि आप यहां पे स्पेस देख सकते हो कि दोनों तरफ स्पेस है मैडम के पहले मैडम के बाद यहां भी देखिए मैडम के पहले मैडम के बाद और जब उसको हम रिमूव कर रहे हैं इनिशियली इट्स हैविंग नाइन कैरेक्टर्स आफ्टर रिमूविंग इट्स हैविंग ओनली फाइव कैरेक्टर्स हेयर पेन इज हैविंग टू एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स सो इनिशियली इट इज हैविंग फाइव बट आफ्टर ट्रिम इट्स हैविंग आर ट्रिम इट्स हैविंग ओनली थ्री कैरेक्टर्स इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे आपसे कह दिया गया सभी के नाम को लोअर केस में डिस्प्ले कराओ भाई तो लोअर कस्टमर नेम सभी की मेल आईडी को अपर केस में रिलेक्स कराओ भाई तो अपर ईमेल हो गया देखिए बना इसके बाद हो जाएगा लेंथ ऑफ द ईमेल आईडी बताओ जी लेंथ ऑफ द ईमेल आईडी तो लेंथ ईमेल हो गया पार्ट ऑफ द ईमेल फ्रॉम ईमेल आईडी बिफोर द कैरेक्टर अब आपको पार्ट निकालना है पार्ट यानी कि अब कह रहा है बिफोर एट द रेट किसी की मेल आईडी अगर लिखी होगी मान लेते हैं ऊपर चलते हैं तो यहां पे लिखा हुआ है अमित साहा टू एट जी मेल डॉट कॉम तो ये कह रहा है कि मुझे सिर्फ अमित साहा टू निकाल के दीजिए तो कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले हमें इसका पोजिशन पता करना होगा इन एस टी आर पता करना होगा और जो हमें पोजिशन मिले जो हमें पोजिशन मिले उससे एक कैरेक्टर पहले तक के सारे स्ट्रिंग्स को बाहर निकाल देना है, अगर लो इसका एट है तो सेवन निकाल लो लेफ्ट सेवन लो लेफ्ट से क्या -क्या पोजीशन पता किया कि में है और जिस पोजिशन पे है, से एक को माइनस कर दिया मान लो वो ईमेल एट द रेट एट पोजिशन पे है तो उसको तो नहीं लेना है ना हमें तो हमें उससे पहले आना है तो एट माइनस वन यानी कि सेवन अब क्या करो लेफ्ट से सेवन कैरेक्टर्स रीड करके दे दो मुझे तो देखो इसने लेफ्ट लेफ्ट लगा दिया दिया यहां पे ईमेल ईमेल लिख आई बात समझ समझ में फिर से समझ लो क्या है इन कॉमा एट द रेट माइनस सबसे पहले अंदर वाला फंक्शन काम करेगा इसको नेस्टिंग फंक्शन बोलते हैं तो सबसे पहले इन एस टी आर काम करके पोजिशन बताएगा उसमें से एक माइनस करेगा और फिर उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर लेफ्ट से निकाल के आपको दे देगा तो कुछ इस तरह का आउटपुट आपको देखने को मिलेगा यहां पे

फोन थ्री कॉम फोर यानी कि थर्ड पोजीशन से चार करेक्टर दे दो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स निकाल के दे दो लेकिन किसका दे दो भाई उस कस्टमर का जो रोहिणी से बिलोंग करते हैं जिसका लोकेशन रोहिणी होगा अब रोहिणी मतलब उसके एड्रेस में कहीं भी रोहिणी आना चाहिए तो इसने क्या किया गया लाइक like पैटर्न को यूज कर लिया क्लास अलेवेंथ को एक बार याद करो फटाफट लाइक पैटर्न के साथ हम पैटर्न मैचिंग करते हैं हम देखते हैं कि स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हो रहा है स्ट्रिंग सी से स्टार्ट हो रहा है स्ट्रिंग डी से एंड हो रहा है स्ट्रिंग टी से एंड हो रहा है या स्ट्रिंग में कहीं भी पी आया होगा वाई आया होगा जेड आया होगा कुछ भी हम चेक करते हैं दो हमारा ऑपरेटर यूज होता था एक परसेंट ऑपरेटर एंड अंडरस्कोर अंडरस्कोर एक अननोन कैरेक्टर को रेफर करता था यह जीरो टू तो एनी नंबर ऑफ अननोन कैरेक्टर्स को रेफर कर सकता है अगर यहां परसेंट रोहिणी परसेंट लिखा हुआ है इसका मतलब रोहिणी कहीं भी हो सकता है बिगनिंग में भी एंड में भी लेकिन अगर सिर्फ परसेंट रोहिणी लिखा होता तो इसका मतलब है कि रोहिणी एंड में होना चाहिए अगर रोहिणी परसेंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया कि रोहिणी बिगनिंग में होना चाहिए तो इस चीज को ध्यान करना क्लास एलेवें का ऐसे यहां से क्वेश्चन कम आने चाहिए बट फिर भी आ सकते हैं अब एक क्वेश्चन देखो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर क्वेश्चन है डिस्प्ले आफ्टर रिमूविंग द डोमेन नेम अब .com को से हटा देना है अब रिमूव करना है तो या तो तुम यहां से लेफ्ट डॉट कॉम का पोजिशन पता करके लेफ्ट से उतना करेक्टर्स निकाल लो लेकिन तो कह रहे हैं निकालने के लिए ना तो हम क्या करेंगे यहां पर ट्रिम फंक्शन को यूज करेंगे ट्रिम का ये एडवांस यूज भी है कि किसी खास करेक्टर को भी आप हटा सकते हो स्ट्रिंग से उसमें क्या होता है कि पहले आपको करेक्ट बताना होता है फिर फ्रॉम कीवर्ड का यूज होता है फिर उस वेरिएबल का नाम बताना होता है जहां से हटाना है या उस स्ट्रिंग का यूज करो जिसमें से आपको हटाना है तो यहां पे देखो इसने क्या पर मेल मतलब ई मेल आई डी के अंदर से डॉट कॉम को ट्रिम कर दो हटा दो वहां से तो देखो जितने भी एड्रेस आए हैं सब में डॉट कॉम हट गया क्योंकि याहू डॉट कॉम जी मेल डॉट कॉम सब जगह होंगे देखो ये सब हट गए यहां से ट्रिम हो गए तो दिस इज द एडवांस यूज ऑफ द ट्रिम फंक्शन ऑल कस्टमर्स हैविंग याहू ई अब कह रहा है कि ऐसे कस्टमर दिखाओ जिसका ई मेल होगा तो क्या करोगे यहाँ पे कौन सा कमांड लगाओगे लाइक पैटर्न चलेगा ई मेल परसेंट याहू परसेंट मतलब उसके नाम में याहू कहीं भी आना चाहिए हमें एंड या शुरू का नहीं बता रहे हमें देखना है याहू कहीं भी उसके नाम आते आ गया उसके नाम में याहू डॉट कॉम अब जनरली किसी की मेल आई डी याहू एट द रेट याहू डॉट कॉम तो नहीं होगा याहू एट जी मेल डॉट कॉम नहीं होगी डेट एंड टाइम फंक्शन क्या होता है ये डेट एंड टाइम पे प्रोसेस करता है यहां से गारंटेड इंश्योर कर लो मैं आपको एक से बता दे रहा हूं क्योंकि चैप्टर एक है वेटेस ट्वेंटी फाइव मार्क्स का है तो ऑलमोस्ट सारे फंक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे ही फंक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब डिस्प्लेइंग डेट एंड टाइम फंक्शंस हम करंट डेट दिखाने के लिए डेट के कुछ पार्ट्स को निकालने के लिए डे नंबर पता करने के लिए मंथ नंबर पता करने के लिए ईयर पता करने के लिए डे का नाम मंथ का नाम हम इस परपज के लिए हम फंक्शन को यूज करते हैं कुछ डेट एंड टाइम फंक्शन जो यहाँ पे आपको पढ़ने हैं उसमें सबसे पहला फंक्शन आता है नाव नाव क्या है एक ऐसा फंक्शन जो करंट डेट एंड टाइम दोनों ही चीज रिटर्न करता है इस चीज को ध्यान रखना करंट डेट के लिए ऐसे हम कर डेट या करंट डेट भी यूज करते हैं बट यहाँ पे आपको नाव के बारे में जानना है इट रिटर्न द डेट एंड टाइम फंक्शन ऑफ सिस्टम नाउ लेकिन अगर मान लो मुझे इसमें से सिर्फ डेट चाहिए नाउ के अंदर से सिर्फ डेट चाहिए तो फॉर दैट पर्पज वी आर यूजिंग द डेट फंक्शन इट रिटर्न द डेट पार्ट फ्रॉम द गिवन डेट एंड टाइम एक्सप्रेशन जो भी डेट या टाइम पर प्रोवाइड करोगे उसमें से जो डेट पार्ट होगा उसको निकाल के दे देगा तो क्या लिखा यहां पे डेट और डेट को आर्गुमेंट क्या पास कर दिए नाउ अब एक चीज ध्यान रखना नाउ फंक्शन जब यूज करोगे तो वो डेट भी रिटर्न करता है वो टाइम भी रिटर्न करता है फॉर्मेट क्या होता है इसका फॉर्मेट होता है वाई 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 माइनस एम एम माइनस डी डी स्पेस एच एच कॉलन ठीक है एम एम मिनट हो गया और एस एस ये इसका फॉर्मेट होता है इसी फॉर्मेट में आउटपुट देगा अब इसमें से अगर डेट निकालना है तो डेट टाइम निकालना है तो टाइम फंक्शन करके सिर्फ आप टाइम पता कर सकते हैं मंथ किसी भी डेट के अंदर से आपको मंथ का नंबर पता करना है भाई यह सेवन मंथ है या नंबर मंथ है या ट्वेल्थ नंबर मंथ है या फर्स्ट नंबर मंथ है तो उसके लिए हम मंथ के साथ हम डेट प्रोवाइड करेंगे जैसे मैंने यहाँ पे नाउ प्रोवाइड कर दिया तो सेवन आ गया मान लो आपके कॉलम के अंदर में डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट ऑफ बर्थ किसी का दिया हुआ है आपको उसका मंथ नंबर पता करना है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे आप लिखोगे मंथ डी ओ जे आप लिखोगे मंथ डी ओ बी इस तरह से डेट ऑफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अंदर से क्या करेगा मंथ निकाल के दे देगा लेकिन अगर मान लो आपको मंथ का नाम चाहिए भाई अक्टूबर दिसंबर नवंबर जनवरी फरवरी ये चाहिए आपको वर्ड चाहिए स्ट्रिंग चाहिए तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा मंथ नेम लिखना पड़ेगा आप कोई पर्टिकुलर डेट डबल कोर्स में बंद करके दे सकते हो फॉर्मेट रहेगा वाई वाई एम एम डी डी या आप किसी कॉलम को यूज कर सकते हो तो जैसे डीओबी के अंदर से हमें मंथ नेम पता करना है तो हम मंथ नेम डीओबी लिखेंगे करेंट डेट का अगर मंथ पता करना है तो मंथ नेम नाउ लिखेंगे ईयर Year पता करने के लिए कि कौन से साल है ठीक है ईयर कोई भी डेट फॉर्मेट आप प्रोवाइड कर सकते हो किसी कॉलम कॉलम का, का नाम भी लिख सकते हैं पता करने के लिए भाई महीने की पहली तारीख है या महीने की पंद्रहवीं तारीख है या 621th position पे। नेम दैट इज यूज फॉर द फाइंड मतलब नाम पता करने के लिए फॉर दैट पर्पज वी आर यूजिंग द डे नेम फंक्शन इसका जरा इम्प्लीमेंटेशन देख लें कैसे यूज हो रहा है है जैसे कि कि देखिए सेलेक्ट द डे डे अब इसने कहा कि आपको भी भी बताना है, भी बताना मंथ नंबर तो देखो ईयर ऑफ निकल, निकल गया हो गया ऐसे क्वेश्चन आएंगे में। बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे किसी ने कहा भाई फॉलोइंग फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन को दिखाओ वेटनेस डे ट्वेंटी सिक्स नवंबर मान लो आपने कोई डेट लिखा तो आपको उसमें डे नेम भी प्रिंट करना है उसमें डे भी प्रिंट करना है उसमें मंथ नेम भी प्रिंट करना है और ईयर भी प्रिंट करना है तो क्या हो गया अब सारे के सारे फंक्शन देखो यहां पे कैसे यूज हो रहे हैं डीओ जैसे डे नेम निकल के आ गया डीओ जैसे डे निकल के आ गया मंथ नेम से हमारा डीओ जैसे मंथ नेम निकाल दिया और ईयर निकाल दिया और इस तरह से हमारा और यहां पे लगा दिया अगर डे नेम संडे नहीं हो उसी का दिखाना जिसका संडे डे नेम नहीं होगा ठीक है डेट ऑफ ज्वाइनिंग संडे नहीं होना चाहिए तो देखो इसने सारे आउटपुट दे दिए अलग अलग आ गए अगर आपको मान लो इसको एक साथ दिखाना है तो यहाँ पे एस के कॉन्केट फंक्शन को यूज कर लेना सारे कॉन्केट हो जाएंगे एक जगह पे कंबाइन हो जाएंगे यहाँ पे नेक्स्ट हम बात कर ले अर्थमेटिक एग्रीगेट फंक्शन के बारे में हमने बताया था दो तरह के फंक्शन होते हैं सिंगल रो फंक्शन होते हैं और एग्रीगेट फंक्शन होते हैं सिंगल रो फशन जो सिंगल कॉलम पे सिंगल रो पे काम करते हैं और सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं एग्रीगेट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो मल्टीपल रो पे काम करते हैं और इसलिए इसे मल्टीपल रो फंक्शन भी कहा जाता है जबकि स्कैलर सिंगल रो फंक्शन को स्केलर फंक्शन के नाम से हम जानते हैं दिस फंक्शन वर्क दिस फंक्शन वर्क ऑन सेट ऑफ रिकॉर्ड सेट ऑफ रिकॉर्ड पर काम करेंगे होल समझ के और एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेंगे जैसे कि मान लीजिए आपको पता करना है आप यहाँ पे कुछ एग्रीगेट का भी इस्तेमाल करके भी दिखाएंगे है ना सिंगल रो और मल्टीपल रो का पहले डिफरेंस को समझ लेते हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल रो एंड मल्टीपल रो फिपल ऑफ सिंगल रो फीपल रो एग्रीगेट फंशन का आपको दे सकता है सिंगल रो एट टाइम सिंगल रो पे काम करता है मल्टीपल फंक्शन रो काम करता है ये एक रिजल्ट रिटर्न करता है पर रो पर रो एक रिजल्ट है एक रो तो एक रिजल्ट दो रो तो दो रिजल्ट तीन रो तो तीन रिजल्ट ठीक है रो वाइज बट ये क्या करेगा रिजल्ट एक ही आएगा चाहे ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ रोज के ऊपर एक रिजल्ट देगा रोज को कंबाइन करके फिर रिजल्ट मिलेगा हमें यहां पे सेलेक्ट के साथ वेयर के साथ ऑर्डर वाइज क्लॉज के साथ हम इसका यूज कर सकते हैं और ये सेलेक्ट क्लॉज के साथ यूज होता है मल्टीपल रो फंक्शन सेलेक्ट क्लॉज के साथ यूज होता है

अगर आपने मैक्स सैलरी लिख दिया तो किसकी सैलरी मैक्सिमम है वो आ जाएगी आपके पास लार्जेस्ट वैल्यू जैसे सेलेक्ट मैक्स प्राइस तो मैक्सिमम प्राइस निकल के आ गया मीन वैल्यू मीन्स मीन कॉलम ने मींस मिनिमम वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम उस कॉलम के सबसे स्मोलेट वैल्यू क्या है वो आपको पता करना है तो आप मीन प्राइस यूज कर सकते हैं एवरेज कॉलम रिटर्न द एवरेज ऑफ द वैल्यू ऑफ कॉलम मतलब उस कॉलम की एवरेज प्राइस आपको रिटर्न करके दे देगा अच्छा एवरेज कैलकुलेट करते समय ना एक चीज का ध्यान रखिएगा मैं एक चीज क्लियर कर दूंगा आपको ये, ये काफी इंपॉर्टेंट है आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आता है मान लीजिए एक कॉलम है पी इसकी वैल्यू है फोर नल ठीक है थ्री सिक्स और चलो फाइव कर देता हूं इसको ठीक है कॉलम थी पी और इसके अंदर में वैल्यू है फोर नल थ्री ठीक है और यहां पे लिख देता हूं फाइव हम्म और यहां पे देता हूं सिक्स और उसके बाद भी देता हूं एक नल ठीक है तो टोटल कितनी वैल्यूज है यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टोटल सिक्स वैल्यूज है लेकिन अगर मैं इसका एवरेज पता करूंगा

जब आप काउंट के साथ किसी कॉलम को काउंट करोगे ना तो हमेशा एंट्री को काउंट करेगा नल को काउंट नहीं करेगा क्योंकि नल क्या है लीगल एम्पटी वैल्यू है है इन एसक्यूएल के अंदर में नल का मतलब होता लीगल वैल्यू वो वैल्यू है ही नहीं तो काउंट क्या करेगा नल को काउंट नहीं करता उसको इग्नोर कर देता है जैसे काउंट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मैनेजर करेंगे तो अमित कवरिज कवरिज कविता और एक नल वैल्यू है तो जब हम काउंट मेमोरी नेम मैनेजर नेम या जो भी मेंबर नेम कर रहे हैं तो उस केस में ये हमें थ्री आउटपुट दे रहा है और इसका रीजन यही है क्योंकि तो इसने नल को इग्नोर किया है काउंट काउंट स्टार स्टार क्या करता है द नंबर नंबर ऑफ ऑफ इन टेबल ये हमेशा की बात करता है अगर वो नल वैल्यू भी है तो उसने भी एक रिकॉर्ड बनाया है उसने भी एक स्पेस ऑक्युपाई किया है आपने वैल्यू नल दिया एक पर्टिकुलर कॉलम का लेकिन रिकॉर्ड में तो एग्जिस्टेंस हो रहे हैं ना है ना तो इस केस में क्या होगा कि जब आप काउंट स्टार लगाओगे इसी जगह पे काउंट स्टार तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो नंबर ऑफ रोज यानी कि चार मिलेगा तो ध्यान रखना है काउंट स्टार हमेशा नंबर ऑफ रोज के लिए हम यूज करते हैं और काउंट के साथ कॉलम का नाम जब लगाते हैं तो हम कॉलम की वैल्यू को काउंट करने का काम करते हैं अगर यूनिक वैल्यू को काउंट करना है तो काउंट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम आ जाएगा काउंट डिस्टिंट कॉलम नेम आ जाएगा डिस्टिंट कीवर्ड याद करो आपने क्लास इलेवंथ में पढ़ा था कि डिस्टिंक कीवर्ड क्या होता है कि यूनिक वैल्यू रिटर्न करने का काम करता है अगर आपका क्लास इलेवंथ का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं क्लास ट्वेल्थ का वीडियो बनाऊंगा जहां पे इलेवंथ वाले उन सारे टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे क्योंकि उनके सिलेबस में है, तो आप वो वाला वीडियो जरूर देखना आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं डिस्प्ले द टोटल नंबर फ्रॉम द टेबल इन्वेंट्री हैविंग मॉडल एज वी तो इसने क्या किया भाई काउंट कर दिया काउंट स्टार फ्रॉम इन्वेंट्री मतलब वाले टोटल रिकॉर्ड कितने हैं उसको काउंट करके बताओ अब देखो ये ग्रुप ऑफ फंक्शन के ऊपर काम किया होगा ऐसे चार पांच रिकॉर्ड होंगे जो VXI model को support कर रहे होंगे लेकिन दो निकल के आया डिस्प्ले द नंबर ऑफ नंबर ऑफ अवेलेबल अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स की बात कर रहा है तो यहां पे क्या किया जाएगा मॉडल के साथ काउंट मॉडल करोगे तो सारे मॉडल काउंट हो जाएंगे चाहे वो डुप्लीकेट वैल्यू भी हो लेकिन इसने कहा नहीं डिफरेंट

लाइक like, मुझे पता करना है कि भाई फीमेल की टोटल सैलरी कितनी जा रही है मेल को सैलरी हम कितनी दे रहे हैं समझे बात को फीमेल में टोटल कितने रोज है मेल में कितने रोज हैं हमें ये पता करना है तो फॉर दैट पर्पज वी आर यूजिंग द ग्रुप वी नीड टू फेस द डाटा ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप कॉमन वैल्यूज जो कॉमन वैल्यू होते हैं उसके बेसिस पे ही ग्रुपिंग हो सकती है Similar value, similar वाले को अलग अलग ग्रुप में डालते हैं जैसे आप बुक डिवाइड करते हो तो क्लास फोर की सारी बुक अलग हो गई क्लास फिफ्थ की बुक अलग हो गई ऐसे तो क्या है सिमिलर कैटेगरी है कहीं ना कहीं किसी क्लास में मैच खा रहा है इसकी वैल्यू तो फॉर दैप वी आर यूजिंग द ग्रुप ग्रुप द रोज टूगेदर डेट कंटेन सेम वैल्यूज इनफाइड कॉलम वी कैन यूज एग्रीगेट फंक्शन काउंट मैक्स मीन एवरेज सम टू वर्क ऑन द ग्रुप वैल्यूज

तो अब मान लो इसके बेस पे अगर तुम्हें सेल डेट भी देख लो सेल डेट चौबीस एक उन्नीस बारह पच्चीस पंद्रह दस बीस बारह तीस एक डुप्लीकेसी कहीं नहीं दिख रहा है तो ग्रुपिंग करने का कोई फायदा यहां भी नहीं दिख रहा है मुझे अब आइए देखते हैं जैसे क्वेश्चन डिस्प्ले द नंबर ऑफ कार्स परचेज बाई कस्टमर फ्रॉम द सेल टेबल तो नंबर ऑफ कार्स फ्रॉम इच्छ तो कस्टमर आईडी बता दिया गया काउंट स्टार बता दिया गया नंबर ऑफ कार्स बता दिया गया अब हो गया काउंट स्टार मतलब नंबर ऑफ कार्स फ्रॉम सेल टेबल और देखो ग्रुप बाइज सेल उसके बाद यूज किया कस्टमर आई डी मतलब कस्टमर आई डी के हिसाब से रिकॉर्ड को ग्रुपिंग करो और फिर काउंट करके बताओ कि किस कस्टमर्स के द्वारा कितने कार परचेज किए गए तो जैसे सी जीरो वन हमारे पास दो बार है तो यानी कि सी जीरो वन ने दो कार परचेज किया सी जीरो टू ने भी दो कार परचेज किया थ्री और फोर ने एक एक कार ही परचेज किया तो काउंट स्टार का आउटपुट कुछ देखो ऐसा आएगा सी जीरो वन दो सी जीरो टू टू जीरो थ्री वन सी जीरो जीरो फोर वन डिस्प्ले द कस्टमर आईडी नंबर ऑफ कार्ड परचेज इ कस्टमर परचेज मोर देन वन कार अब देखो यहाँ पे कंडीशन हो गया अभी हमने क्या किया अभी हमने दिखा दिया सारे कस्टमर वाइज लेकिन नहीं उसी का रिकॉर्ड दिखाओ जिसने एक से अधिक कार्ड परचेज किएजगा और कैसे आएगा जरा ध्यान से देखिए हैविंग क्लाउज को हैविंग क्लाउज कैसे हो रहा है यहाँ पे हो गया सेलेक्ट कस्टमर आईडी काउंटे स्टार फ्रॉम सेल ग्रुप बाई आ गया ग्रुप बाई के बाद ग्रुप बाई के बाद हम कॉलम का नाम देते हैं कि किस कॉलम पे ग्रुपिंग करनी है उसके बाद देखो यहाँ पे कंडीशन आया है Count स्टार ग्रेटर देन वन क्योंकि ये number of rows की बात कर रहा है तो number of rows के लिए हमेशा होगा देन वन और इस बेसिस पे आपने क्या किया रिकॉर्ड्स को काउंट करके अब देखो इसने सिर्फ सी जीरो वन और सी जीरो जीरो टू को ही दिखाया क्योंकि इन दोनों ने ही दो दो कारचेज किए थे बाकी तीन और चार ने एक एक कार ही परचेज किए थे डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल इन इच कैटेगरी ऑफ पेमेंट मोड अब मान लो पेमेंट मोड के हिसाब से कैटेगरी बताना है कि कौन क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा है कौन डेबिट कर रहा है कौन चेक कर रहा है कौन ऑनलाइन कर रहा है कौन फाइनेंस ले रहा है उसके हिसाब से काउंटिंग करनी है तो क्या हो गया यहाँ पे पेमेंट मोड आ गया उसके साथ काउंट पेमेंट मोड आ गया अब पेमेंट मोड का हमें काउंट बताना है सिर्फ काउंट ही बता दोगे मान लो दो दो तीन लिख दोगे तो समझ में नहीं आएगा ना तो पेमेंट मोड का नाम भी आ गया भाई इस पेमेंट मोड में इतने कस्टमर हैं इस पेमेंट मोड के इतने कस्टमर हैं ओके okay, अब यहां पे जब ग्रुपिंग होगी क्योंकि पेमेंट मोड आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो ग्रुपिंग पेमेंट मोड पे किया जा रहा है और भी आपके लिए इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में है ये ठीक है ऑर्डर बाय का, का काम होता है रिकॉर्ड्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना तो इसने क्या किया ऑर्डर बाय कर दिया तो अल्फाबेटिकली इसकी आउटपुट आ गई और यहां पर देखो ये इन्फॉर्मेशन आ गया डिस्ट पेमेंट मोड एंड नंबर ऑफ पेमेंट यूजिंग से अधिक बार पेमेंट किया हो तो फिर सेविंग काउंटर बाई पेमेंट मोड हो गया ठीक है तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं ऑपरेशन एंड रिलेशन ये आपको नहीं पढ़ने हैं ये आपके सिलेबस से बाहर हो गया ज्वाइन क्वेरी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये कुछ आ, इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहे आपके माई सिक्वल्स के अगर आपने इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि इस वीडियो के कारण आप 25 मार्क्स स्कोर कर सकते हो बट घबराने की जरूरत नहीं है अभी मैं यहाँ एक सेशन और आएगा इसी माई सिक्वल पर जहां पे मैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक्यूरेट ट्वेंटी फाइव मार्क्स दिला सकते हैं और अगर आपने नेटवर्किंग के टेन मार्क्स अचीव कर लिए तो थर्टी फाइव मार्क्स हो जाएंगे नेटवर्किंग टॉपिक पर भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा जल्द ही आज से कल तक वो भी वीडियो आपके पास अवेलेबल होगा और आप उसे भी देख सकते हो और के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा और इस तरह से प्लस टू आईपी के अंदर अगर आपको थर्टी फाइव स्कोर करने हैं तो आप कर सकते हो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना चेक केयर